आपने दो शब्द तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, शिवा और कृष्णा, आपने ये शब्द सुना होगा। आप बोले कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हिंदी का शब्द शिव और कृष्ण से जो है इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करने पे जो है वो शिवा और कृष्ण हो जाता है, जैसे कि राम का हो जाता है रामा, तो इसी प्रकार से महाभारत का महाभारता और रामायण का रामायणा, तो इस प्रकार से इन लोगों को ए जोड़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे कि योग को जो है योगा बोल देते हैं, इस प्रकार से ए लगा के हर शब्द को जो है अपभ्रंश करके इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो लोग बोलते हैं शिवा बोल रहे हैं मतलब शिव ही है, कृष्णा बोल रहे हैं मतलब कृष्ण ही है। वो अलग है कि शिव जो है शिव शक्ति दोनों को जो है अर्धनारीश्वर होते हैं, लेकिन अगर शब्द की आप बात करें तो अलग अलग डिफरेंस तो होता ही है। तो आते हैं आपका जो है सवाल है उसके ऊपर कि शिवा ये शब्द हम जो है इंग्लिश में हो जाता है तो लोग बोलते हैं शिवा, बहुत लोगों का नाम होता है शिवा शिवा। सबसे अप्रतिम सबसे जो है बड़ा उदाहरण तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम है शिवा शिवाजी, तो ये बोलते हैं तो उनका नाम कहाँ से आया था, तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि माता भवानी के नाम पर, माता शिवबा भवानी के नाम पर राजमाता मातोश्री जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवा या फिर शिवाजी रखा था, इसलिए वो उन्हें जो है शिवबा कहती थी, शिवबा राजे। तो इस प्रकार से कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम माता के ऊपर पढ़े, ना कि हमारे राजा शिव छत्रपति कहते तो है, रुद्र अवतार शिव अवतार कहते हैं, लेकिन उनका नाम जो है माता भवानी के ऊपर ही रखा गया था। तो अर्थात शिव जो है वो है हमारे भोलेनाथ और शिवा जो है वो है हमारे माता आदिशक्ति देवी पार्वती जी, अर्थात इसीलिए कहते हैं शिवा प्रियाय नमः, इसलिए हम जो मंत्र आता है उसमें पढ़ते हैं शिवा प्रियाय, यानी जो माता पार्वती के प्रिय हैं, जिनकी प्रिय जो है माता पार्वती है, वो जो है भगवान शिव महारुद्र हर हर हमारे भोले बाबा है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण, अब कृष्ण आते हैं हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जन उसे सभी जानते हैं, लड्डू गोपाल बोलते हैं, मुरली मनोहर बोलते हैं, कान्हा जी बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं, मदन बोलते हैं, गोपाल, पता नहीं इतने सारे अनंत नाम उनके ही हो सकते हैं, और तो उनको बोलते हैं एक शब्द कृष्णा, तो लोग बोलते हैं चलो ठीक है कृष्णा यानी कृष्ण, तो कृष्णा यानी होता है द्रौपदी का नाम है, हमारी माता जी द्रौपदी का नाम है। आप बोलेंगे कैसे, तो कृष्ण जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम है और कृष्णे या फिर कृष्णा जो है माता द्रौपदी को कहा जाता है, उनकी जो है बहन है भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए उन्हें जो कृष्णा कहा जाता है। तो वही बात है कि मुझे एक जो है संत जी ने कहते हुए मैंने सुना था कि आप जो है कृष्णा कृष्णा कहते रहते हैं तो आप जो है मुक्ति को प्राप्त तो होंगे, वैकुंठ में आप जाएंगे, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए प्रभु नहीं आएंगे, माता द्रौपदी थाल लिए खड़ी होंगी और बोलेंगी, आप बोलेंगे भगवान कहाँ है, तो माता जी बोलेंगी कि जीवन भर तो तूने मेरा नाम रटा है, धन्यवाद बालक, तो माता जी आपका स्वागत करते हैं। इस प्रकार तो उन्होंने कुछ व्यंग करते हुए इस बात को कहा था कि आपका जो है वैकुंठ में स्वागत माता द्रौपदी के द्वारा किया गया, अर्थात कृष्णा का अर्थ होता है माता द्रौपदी। इस प्रकार से शिवा कृष्णा, इस प्रकार से कई सारे शब्दों को सनातन धर्म के अपभ्रंश करके बना दिया जाता है, जो कि लोग समझ नहीं पाते और हरे कृष्णा बोलते रहते हैं और शिवा नाम रखते रहते बच्चों का, वैसे कोई बुलाई नहीं है, आदिशक्ति शिव एक ही है, माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन एक एक शब्द की अगर आप परखता को जाएंगे, आप जो है उच्चतम जो है एक शब्द की परफेक्ट अगर आप उसी को बनाना चाहेंगे कि यही परफेक्ट शब्द चाहिए वाला, तो उसमें जो है अंतर तो साफ साफ देखने को मिलता है, यही सनातन की परंपरा है। तो आप इसके बारे में क्या जानते थे, क्या आपको इसके बारे में पता है, कमेंट करके बताएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।